मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इंदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला ने अपना शिकायती आवेदन इंदरगंज थाने में दिया है। इस शिकायत पर इंदरगंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इंदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूबे की गोट कैलाश टॉकी चौक के पास रहने वाली एक महिला जिनका नाम सन्नू सेन पत्नी मनीष सेन रहते हैं, उन्होंने इंदरगंज थाना प्रभारी लश्कर CSP और पुलिस अधीक्षक को भी अपना शिकायती आवेदन दिया है। सन्नू सेन का कहना है कि हमारे देवर कपिल सेन की गलत संगति के कारण 20 साल से अलग रह रहे हैं, न ही कोई हमारा पारिवारिक संबंध है और न ही हमारे घर पर उसका आना जाना है। अगर उसका किसी से विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। कौन है? एक मिनट, अनुपम शर्मा। अनुपम शर्मा नहीं, मतलब जो ये महिला रही है, इनका नाम? हाँ, अनुपम शर्मा। कब से रही? कल सुबह मॉर्निंग। कल सुबह से? हाँ, जो भी मेरे तो घर में नहीं थी। एज क्या है इनकी? एज है जी 28। 28 वो भी बताइए, वो हस्बैंड कौन? मेरा शान हुसैन। ये क्या घटना हुई आपके साथ में? घटना कुछ नहीं हुई है, मेरे को उड़ी उड़ी खबर आई है कि हमारी देवरानी ने कोई केस करना चाह रही है हमारे देवर पे, और देवर से सर हमको कोई मतलब है नहीं है। 20 वर्षों से सर हम अलग रह रहे हैं और हमारे देवर से इनने स्टाम्प पे शादी करी है कोर्ट से, और अब हमको उड़ी उड़ी ऐसी खबर आ रही है केस में हमारा भी झूठा नाम डलवाना चाह रही है, तो हमको इस केस से बचाया जाए। आपका देवर से कोई संबंध? हमारा सर कोई संबंध नहीं है और ना हम उनसे कोई संबंध रखते, हम 20 वर्षों से अलग हैं सर। अलग है जी सर। इसके संबंध में आपने किसी को? हाँ सर, आवेदन SP को दिया है, TI को दिया है और ऊपर मैडम को दिया है। मैडम का नाम ऊपर जो ऊर्जा डेस्क में जो मैडम है उनको दिया है। हाँ, क्या न्याय चाहती हो आप? क्या न्याय जो चाहती हूँ, हमारा कहीं केस में नाम ना आए और जो मारिया चाहे वो करे, कपिल जो चाहे वो करे, हमको इस चीज से दूर रखा जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।